कम टू माई चैनल श्री जी उत्सव, कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे। आज आपको हम लड्डू गोपाल जी का लड्डू गोपाल स्वरूप कैसे प्रकट हुआ इस बारे में बताने जा रहे हैं कि आगरा ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापिस लौट आया करेंगे। वो वापिस लौट आया करेंगे और सेवा का इस तरीके से नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया था कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन जी ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और बड़े ही सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा रहा। अब वह उदास हो गया और उसने रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास जी ने लौट कर पूछा कि भोग लगाया था बेटा, तो रघुनंदन जी ने कहा, उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो चलो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी रोज भोजन की थाली लगा कर जाते और रघुनंदन दास जी ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया है। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन जी ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर कर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी की छाती पर जो आपने चरण चिन्ह देखा है वो किसका चरण चिन्ह है। जब तक लड्डू गोपाल जी की छाती पर चरण चिन्ह नहीं होता है तो वो उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि चरण चिन्ह क्या है वो। आज हम आपको उसके एक दिलचस्प प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं। जब भृगु ऋषि ने विष्णु जी के क्रोध में आकर भगवान विष्णु जी की छाती पर लात मार दी थी। जी हाँ, कई शास्त्रों में इस घटनाक्रम का बड़ी ही खूबसूरती के साथ उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञों का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहते हैं। इस पर ऋषियों का जवाब था कि वे तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा, लेकिन समस्या यह थी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश सब में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। प्रसंग के मुताबिक भृगु ऋषि ने सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान के लिए तीन देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। कहते हैं कि भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस वक्त सरस्वती जी के साथ बातें करने व्यस्त थे। इस पर भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर आपकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद भृगु ऋषि शंकर जी के पास पहुँचे। शिव जी भी उस वक्त माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। ऋषि ने शंकर जी को भी श्राप दिया कि पृथ्वी पर केवल शिवलिंग की ही पूजा की जाएगी। इसके बाद वो भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे और उन्होंने विष्णु लोक का रुख किया। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी भी माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। इस पर क्रोधित भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। कहते हैं कि इससे विष्णु जी को क्रोध नहीं आया बल्कि उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। विष्णु जी के ऐसा करने पर भृगु ऋषि काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि विष्णु जी ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। तो वो जो चरण चिन्ह आप देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी की छाती पर है, वो भृगु ऋषि का ही चरण चिन्ह है। अगर आप घर में लड्डू गोपाल जी को लाने का मन बना लिया है आपने, या आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपको यह भाव पहले बिठाना होगा कि अब इस घर के स्वामी आप नहीं हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, और मेरे घर का भाव मन से निकाल दें और यह भाव लेकर आएं कि अब यह लड्डू गोपाल जी का ही घर है और बाकी लोगों की तरह वह भी हमारे घर के सदस्य ही हैं।
खिलौने भी लाए उनके लिए। एक छोटे बालक की भांति लड्डू गोपाल जी के लिए समय समय पर बाजार से खिलौने भी लेकर आए। स्वयं भी उनके साथ खेलें और हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी ले जाएं। अगर आप घर से बाहर जाएं तो यदि किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ रहा है आपको, तो घर की जो एक चाबी है वो श्री लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं। और बाल गोपाल में घर में रखने वालों को तामसिक चीज़ों को प्रयोग को एकदम बंद करना चाहिए। घर में यदि आपके कोई खाने की वस्तु आती है जो उसमें से श्री लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसके लिए निकालना चाहिए। सर्दी और गर्मियों के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़ों का भी चयन करें। घर पर अगर आप गणेश जी के बाद बाल गोपाल जी की पूजन रोज करना चाहिए आपको। कान्हा जी को साफ जल से स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत दूध दही घी शक्कर और मिश्री मिलाकर बनाएं। स्नान दक्षिणावर्ती शंख से कराएंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा। भोग प्रसाद में ध्यान। जिस प्रकार घर के सभी सदस्यों को दिन में कई बार भूख लगती है, उसी प्रकार से यह मानकर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना चाहिए कि उनके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना जरूरी है। जैसे आप अपने बच्चों को या छोटे किसी को भी कराते हैं, आपको उसी तरीके से ठाकुर जी को भी अपने बाल स्वरूप को भोग लगाना है। अगर